नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब। तो आज धनतेरस का दिन है, तो आपको, आपके पेरेंट्स को और आपकी फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली एडवांस। इन्जॉय करो दिवाली। मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी मिलती नहीं है जल्दी। 3 दिन छुट्टी है मेरे बैंक में। मेरे बैंक में क्या, सारे बैंकों में सैटरडे संडे एंड मंडे जो कि दिवाली है, तो 3 दिन इन्जॉय करूँगा। आप भी इन्जॉय करो और जाओ बाहर घूमो फिरो, ठीक है। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से कट ऑफ एग्जाम्स को लेके काफ़ी प्रेशर दिमाग में ऑलरेडी भर चुका है, काफ़ी टेंशन भर चुके हैं, उसको खाली करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिवाली में पढ़ाई मत करो, पढ़ाओ, पढ़ाई करो, लेकिन इन्जॉय भी करो, थोड़ा घूमो फिरो, दिए जलाओ और दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो। तो आज का ये वीडियो जो है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि IBPS क्लर्क का जो कट ऑफ है वो इस बार कम होगा या नहीं होगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे, और फाइनल वैकेंसी जो होगी वो कितनी होगी। तो इसीलिए वीडियो पे बने रहना, एक एक चीज़ को बताऊंगा। पिछले साल वैकेंसी कितनी थी, फाइनल के टाइम में कितनी हुई, इस बार कितनी है, फाइनल में कितनी होगी, और क्या जा सकता है कट ऑफ, मतलब कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे बैंक के प्रीलिम्स की, मेंस की कैसे तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो आखिर क्यों बनाया मैंने, क्या ज़रूरत क्या पड़ी इसकी। देखो, कल RRBPO का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, सॉरी, फाइनल आएगा बाद में। तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो हताश हो गए कट ऑफ को देख के कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। अब उनके दिमाग में ये हिट करने लगा कि फिर RRB क्लर्क मेंस का और IBPS क्लर्क मेंस का क्या होगा, क्या इसका भी कट ऑफ हाया जाएगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स ऑलरेडी मेरे को आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूँ, IBPS PO प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कैसे करूँ, या SBI क्लर्क PO की तैयारी कैसे करूँ। तो मतलब काफ़ी हेडेक आ गया दिमाग में। तो मैंने सोचा कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देता हूँ, रिजल्ट क्या जाएगा कट ऑफ, इसको लेके वैकेंसी कितनी पड़ेगी, ताकि आप आगे के एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि RRBPO का जो एग्ज़ाम है वो RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क एग्जाम से एकदम अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है, ठीक है, वो एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, कितने वैकेंसी है, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी क्या थी, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो इसलिए एक एग्जाम को दूसरे एग्जाम से कंपेयर करना सही नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या रह सकता है कट ऑफ इस बार। तो पहले मैं वैकेंसी को कंपेयर करूंगा पिछले साल। तो ये रहा पिछले साल का डेटा, जब नोटिफिकेशन आई थी पिछले बार तो 7855 वैकेंसी थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे ये बढ़कर 12315 हो गई। तो जब नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये चार बैंक ऐसे थे जिन्होंने 2021 में रिपोर्ट नहीं किया था नोटिफिकेशन के टाइम में, और फाइनल सिलेक्शन के टाइम ने इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की, और फाइनल वैकेंसी जो है वो हो गई थी 12315, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। मैंने जब पेपर दिया था तो मुझे पता नहीं लगा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अटैम्प्ट बहुत कम थे मेरे, 90 के अराउंड अटैम्प्ट थे, 90 या 95 एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा हो गया सिलेक्शन, तो कट ऑफ काफी कम गया, चाहिए बोली कि पेपर का लेवल टफ था और वैकेंसी भी बढ़ गई थी। तो इस साल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस साल का डाटा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे, जब वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन जब आया था तो 6035 वैकेंसी थी इस बार, और कौन से चार बैंकों ने इस बार भी रिपोर्ट नहीं किया वो आप नीचे देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये चार बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें रिपोर्ट करेंगे, ये गारंटी है। और अभी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिला है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुई है कोविड के बाद। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, इंडियन बैंक ने भी प्रॉफिट अच्छा दिखाया, क्योंकि पिछले साल इंडियन बैंक ने PLI दिया था, PLI को बोनस जैसा समझिए, जब बैंक बहुत अच्छा करती है तो 15 डेज का सैलरी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, एज अ बोनस समझ सकते हैं। तो सारे बैंक अच्छा कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 11,000 से 13,000 रहेगी, और कट ऑफ भी कम जाएगा। कम जाएगा मतलब या तो पिछले बार के जितना रहेगा या उससे थोड़ा कम रहेगा, जहाँ पे वैकेंसी सेम है, ठीक है, ये मैं मतलब जहाँ पे वैकेंसी सेम रहेगी, ठीक है, ये मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे कट ऑफ एकदम एक्सेप्शनली हाई चला जाएगा RRBPO के जैसा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए रिलैक्स रहिए, चिल रहिए और इन्जॉय करिए दिवाली को फुल। मैंने भी जब पेपर को दिया था तो मुझे भी लगा था पता नहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं, कम अटैम्प्ट है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो। उसी तरह आपके भी अगर अटैम्प्ट कम है लेकिन आपने एक्यूरेसी मेंटेन की है, तो आपके भी सिलेक्शन के चांसेस पूरे के पूरे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से स्टेट से अप्लाई किया और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मेरे तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि दिवाली तो परसों है लेकिन धनतेरस